नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बताने वाला हूं 6 ऐसे SEO पिलर्स के बारे में जो कि बहुत ही काम के पिलर्स हैं। और बहुत ही काम कहने का मतलब है, चाहे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो भी आपको ये काम में आएंगे, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो भी आपको ये काम में आएंगे, अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो तो भी ये आपको काम में आएंगे। तो ये 6 पिलर क्या है और क्यों है ये इंपॉर्टेंट, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल वर्ल्ड बाय मंजीत सिंह। दोस्तों, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि वहां पर जो है बहुत ही इंस्टेंटली मैं अपडेट्स देते रहता हूं और वहां पे हर सैटरडे को मैं आऊंगा लाइव, तो आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है डिजिटल वर्ल्ड मंजीत के नाम से, तो आप वहां पे जाके सर्च करके मुझे फॉलो कर लीजिए। अभी बात करते हैं हमारे आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है, 6 SEO पिलर्स। तो SEO के 6 पिलर्स क्या हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि SEO क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई SEO इज इंपॉर्टेंट। अब यहां पे बात आती है SEO के इंपॉर्टेंस की। तो SEO क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो कोई भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट के ऊपर हम चाहते हैं कि कोई ट्रैफिक आए। एक एग्जांपल देके छोटा सा समझाता हूं आप लोगों को। अगर हम कोई दुकान खोल रहे हैं, कोई भी बिजनेस खोल रहे हैं, अगर उसका कोई भी हम प्रमोशंस नहीं करते हैं किसी भी तरह का, तो क्या हमारे पास कोई आएगा, किसी को पता चलेगा हमारे पास कि हम ये बिजनेस खोल के बैठे हुए? नहीं पता चलेगा। सेम वे जो है यहां पे हमारी वेबसाइट के ऊपर हम बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो मोटो है उस वेबसाइट को ओपन करने का, उस वेबसाइट को रजिस्टर करने का, उस वेबसाइट को डिजाइन करने का, वो तभी फुलफिल हो सकता है जब हमारी उस वेबसाइट को हम प्रमोट करें। और प्रमोट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। यहां पे हम बात कर रहे हैं सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, ये भी एक प्रमोशन का बहुत ही अच्छा नजरिया है, बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसके जरिए हम बहुत यूनिक जो ट्रैफिक है जो हमारे से रिलेटेड है उनको हम अपने जितने भी वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर लेकर आते हैं। और यहां पे बात आ रही है सर्च। अब बात आ रही है सर्च क्यों। सर्च का मतलब होता है कि जैसे कि google.com हो गया, yahoo.com हो गया, bing.com हो गया, aol.com हो गया, इस तरह के बहुत सारे सर्च इंजिन वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल है। तो इन सभी सर्च इंजन के अंदर ही जाकर जितने भी पब्लिक है आज की डेट में, वो कुछ भी सर्च करना होता है तो सबसे पहले google.com पे जाती है, क्योंकि 92% जो मार्केट शेयर है वो सिर्फ google.com के पास है, यानी कि गूगल के सर्च इंजन के पास है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमारी भी वेबसाइट अगर उस गूगल के सर्च इंजन में लिस्ट होती है और पहले पेज के ऊपर सर्च होती है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वहां पर रैंक नंबर 1 पे करवाने का बेनिफिट ये होता है कि हमारे पास जो है बहुत ही ज्यादा यूनिक ट्रैफिक जो है, वो यूनिक विजिटर जो है वो हमारी वेबसाइट पे आते हैं। और वहां से अब जैसा भी हमने कंटेंट डाला होगा, हमने जैसा भी उसको मोनेटाइज किया होगा, जैसे भी हमने सेल्स लीड जनरेट करने का टारगेट लिया होगा, तो वो वहां पे सक्सेस होगा। तो ये है SEO का इंपॉर्टेंस। अब बात करते हैं इसके 6 पिलर्स के बारे में कि यानी कि सर्च इंजन के पहले पेज पे पहुंचने के लिए हमें कौन से 6 काम करने होंगे जिनके जरिए जो है हम वहां तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यहां पे बहुत सारे तरीके हैं, वैसे पेड में भी हैं, फ्री के अंदर भी हैं, लेकिन आज जो 6 पिलर बता रहा हूं ये आपके फ्री वाले हैं, क्योंकि पेड वालों के लिए हम अलग से वीडियोस बनाएंगे ही। तो पहला यहां पे आता है वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन कहने का मतलब है, देखिए गूगल के ऊपर आने के लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, तो वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमाइज कहने का मतलब है कि इसके वेबसाइट हमारी किस तरह से डिजाइन है, वहां पे किस तरह से हमने जो है उनके पूरे बैकलिंकिंग करी हुई है, किस तरह से हमने उसको जो है नेविगेट करा है, किस तरह से हमने जो है उसके सेक्शंस को डिवाइड करा है, किस तरह से हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है वो क्या है, है ना। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं इसके अंदर। हर एक जो भी पिलर मैं बताऊंगा उन सब के लिए भी आपको अलग से वीडियो एक एक पिलर के ऊपर डेडिकेटेडली मिलेगी, ताकि जो है आप उसके ऊपर अच्छे से काम कर सके।
तो ये वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसे पहला रूल होता है कि हमें जो है वेबसाइट को बहुत ही परफेक्ट तरीके से डिजाइन करना है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से उसमें जो है नेविगेट करना है, बहुत ही परफेक्टली जो है हमारी वेबसाइट के जो सर्वर्स हैं उनको जो है हमने सेलेक्ट करना है ताकि हमारी वेबसाइट जो है परफॉर्म कर सके। दूसरा यहां पे पिलर आता है विच इज कॉल्ड ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ यहां पे जैसे कि वर्ड आ रहा है ऑन पेज, यानी कि हमारी वेबसाइट के अंदर जो पेजेस हम डिजाइन करते हैं चाहे वो आर्टिकल के जरिए हो या फिर हमने पेज डिजाइन करा हो, तो उस पेज के ऊपर जो हमने ध्यान रखने वाली चीजें हैं चाहे वो उसका टाइटल हो, चाहे उसका यूआरएल हो, चाहे उसके अंदर में जो हम जो आर्टिकल लिख रहे हैं, पेज लिख रहे हैं, उसमें चाहे जितने भी सेक्शंस होते हैं, चाहे वो इंट्रोडक्शन सेक्शन है या फिर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन है या फिर एंड ऑफ द पेज जो है कंक्लूजन वाला सेक्शन है, तो बहुत सारी चीजों का जो है हमें ऑन पेज के ऊपर में भी काम करना पड़ता है और उस चीज को भी ये ध्यान रखना पड़ता है वहां पर भी कि हम जो पेज लिख रहे हैं, हम जो पेज डिजाइन कर रहे हैं, हम जो पेज जो है आर्टिकल लिख रहे हैं या उसके ऊपर हमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है ताकि वो गूगल के नंबर वन पेज के ऊपर जो है रैंक कर सके। इसके बाद जो दोस्तों तीसरा पिलर है वो यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ कहने का मतलब कुछ ऐसे टेक्निक्स जिनके जरिए हम ऑफ पेज यानी कि पेज के ऊपर जो करना था वो कर दिया, वेबसाइट के ऊपर करना था, पेज के ऊपर करना था वो कर दिया, अब उसको जो है ऑफ पेज एसईओ करना। ऑफ पेज एसईओ करने में जो है बहुत सारे तरीके हैं, अब इसमें क्या क्या कवर होता है ये आने वाले वीडियोस के अंदर अलग से एक एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मिलेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पिलर की जो मैं बात कर रहा हूं दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसको SMM बोलते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पिलर है आज की डेट में किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, मीडियम है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन ये सोशल मीडिया की सपोर्ट लेना, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ही लोग सबसे ज्यादा जो है टाइम स्पेंड करते हैं और वहीं से जो है जहां पे लोग होंगे वहीं अगर हम दुकान खोलेंगे तभी सामान बिकेगा। तो बात यहां पर भी वही आ रही है कि जहां पर लोग अपना ज्यादा हैंगआउट कर रहे हैं वहां से जो है हमें उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आना है, तो सोशल मीडिया जो है ये बहुत ही पावरफुल मार्केटिंग है। इसमें भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग करते वक्त कि क्या क्या चीजें आपको करनी है, तो यहां पर भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है हमें SEO के अंदर। और इसका जो नेक्स्ट पिलर है दैट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक अलग चीज है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एक अलग चीज है। सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है किसी भी चीज को हम जो पोस्ट करके जा किसी भी तरीके से आने वाले वीडियोस के अंदर बताऊंगा, और हम जो प्रमोट करते हैं जहां पे जिसमें हम शेयर करते हैं हमारी इंफॉर्मेशन कि भैया हमारे पास ये चीज है, लेकिन ऑप्टिमाइज मतलब कि अब जो हमने शेयर किया है उसके बाद उसको जब हम मॉनिटर करते हैं कि हमें उससे कोई बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर बेनिफिट हो रहा है तो किस लिंक से हो रहा है, क्या हमने पोस्ट करा जिसके ऊपर से ट्रैफिक आ रहा है। हमने बहुत सारी चीजें पोस्ट कर दी अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो लिंक्डइन है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, बहुत सारे हैं, तो इनके ऊपर जब हमने बहुत सारा ट्रैफिक जो अपने शेयर करे हैं, पोस्ट करे हैं, पेज करे हैं, वेबसाइट करा है, जो भी हमने करा है, लेकिन वहां पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाला ये है कि हमें कहां से और कितना ट्रैफिक मिल रहा है और कौन से चीज से मिल रहा है, कौन से पोस्ट से मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है जब हम इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको मैं ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इनफैक्ट इसको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा आप लोगों को। इसके बाद जो हमारा लास्ट पिलर है दैट इज कंटेंट। देखिए किसी भी चीज के लिए कोई भी काम करना हो तो अगर कंटेंट नहीं होगा, और कंटेंट इज द किंग, ये एक बहुत बड़ी लाइन, बहुत फेमस लाइन है डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड के अंदर कि कंटेंट इज द किंग, कंटेंट किंग है हमारा। अब कंटेंट किंग कैसे हो जाता है, कंटेंट किंग इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर जो लिखा है अगर वो अट्रैक्टिव नहीं है, यूजफुल नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है या फिर उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा किसी को, तो फिर इस केस में जो है हमारा कोई भी मेहनत करना, कितनी भी मेहनत करनी हम अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो किसी के काम नहीं आ रही, तो वो बिल्कुल वेस्ट है।
तो वहां पर जो है कंटेंट हमें बहुत ही केयरफुली डिजाइन करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, उसको अरेंज करना पड़ता है। तो कंटेंट बहुत तरीकों से जो है हमें एनालाइज करना पड़ता है बिफोर पुटिंग ऑन दी वेबसाइट और आर्टिकल। तो ये चीजें जो है आने वाले वीडियो के अंदर डेफिनेटली मैं आपको डेडिकेटेडली बताने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैंने आपको 6 ऐसे पिलर बताए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा है हमारा यहाँ पे ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, और 6th है हमारे पास यहाँ पे कंटेंट किंग, राइट। तो कंटेंट किंग है। तो ये 6 पिलर्स के ऊपर में अगर आप फ्री में जो है एसईओ करना जानते चाहते हो तो आने वाले वीडियो को भी देखिए, और इस वीडियो को भी जो है आप लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं वहां तक भी शेयर करें, ताकि जो है आपके साथ साथ जितने आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं उन तक भी ये नॉलेज जो है वो पहुंच सके। आई एम श्योर आप लोग शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, और अगर आपका कोई भी सवाल है और आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप चाहते हैं जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो बना के दूं, तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। सो दोस्तों आई एम श्योर की वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या मेरे पेजेस को, सोशल मीडिया के पेजेस को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से कर दे, क्योंकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके। सो आई एम श्योर वीडियो अच्छा है, सो आपको अच्छा लगा, अच्छा है नहीं ये मैं बोल रहा हूं, गलती से निकल गया। सो आई एम श्योर कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। सो आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।